क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। आईपीएल फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस बार खिताब की सबसे बड़ी और प्रबल दावेदार मुंबई इंडियंस है, लेकिन हम आपको पांच कारण ऐसे बताएंगे जो मुंबई की जीत पक्की बता देंगे, जिसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर क्यों मुंबई इंडियंस एक बार फिर खिताब जीतने जा रही है। तो आप भी कमेंट जरूर करें कि इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा। मुंबई की बात करें तो ये टीम लीग मुकाबलों में टॉप पर रही और सबसे शानदार खेल दिखाया और इस बार भी खिताब की दावेदार है। तो आपको बताते हैं मुंबई की जीत पक्की करने वाले पांच कारण। सबसे पहला कारण है मुंबई की बैटिंग लाइनअप। मुंबई की बैटिंग में जबरदस्त गहराई है। दोनों ही ओपनर्स अब पूरी तरह से लय में आ चुके हैं और अब तक खामोश बैठे सूर्य कुमार यादव भी अब कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। यानी इसके बाद निचले क्रम में आने वाले किरण पोलार्ड और कुणाल पांड्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं हार्दिक पांड्या तो हर मैच में तगड़ा खेल दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर मुंबई की बैटिंग इस सीजन सबसे मजबूत नजर आ रही है और मुंबई की बैटिंग ही उसे खिताब जिताने का पहला कारण है। दूसरा कारण है मुंबई की बॉलिंग। रोहित शर्मा की टीम में दुनिया के दो सबसे खतरनाक डेथ बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह और लासित मलिंगा। जसप्रीत बुमराह और लासित मलिंगा जैसे दो दिग्गज एक साथ टीम में होना मुंबई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और ऊपर से राहुल चाहर भी इस सीजन शानदार स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। कुणाल पांड्या अपनी फिरकी के जाल में विरोधियों को फंसा रहे हैं तो हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। यानी मुंबई की टीम के बेंच पर बैठे खिलाड़ी मिशेल मैकलेनगन, जयंत यादव और अनुकूल रॉय को भी जब जब मौका मिला सबने अपना शानदार खेल दिखाया। यानी मुंबई की बॉलिंग बैटिंग से भी ज्यादा शानदार है और मुंबई के जीतने का दूसरा कारण यही है। तीसरा कारण है सही कॉम्बिनेशन यानी सही मिश्रण। मुंबई की टीम ने इस सीजन की सबसे धाकड़ टीम कही जा रही चेन्नई को एक नहीं बल्कि तीन तीन बार हराया है और वो भी दो बार तो चेन्नई को उसके घर में मात दी। यानी मुंबई एक बार फिर आत्मविश्वास से लबरेज होगी क्योंकि उसके पास है सबसे सही कॉम्बिनेशन। मुंबई की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का जबरदस्त मिश्रण है और यही मिश्रण और कॉम्बिनेशन मुंबई को जीत दिलाएगा। मुंबई इंडियंस की जीत का चौथा कारण है कप्तानी। कप्तान रोहित शर्मा शानदार कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में पूरी तरह से महेंद्र सिंह धोनी की झलक दिखती है। धोनी के बाद फिलहाल तो वही सबसे कूल कप्तान दिखते हैं। अब धोनी की शानदार कप्तानी के बाद भी सीएसके की टीम उतना बेहतर नहीं कर पा रही, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ साथ उनके बल्लेबाज और गेंदबाज भी कमाल का खेल दिखा रहे हैं, लिहाजा रोहित की कप्तानी मुंबई के जीतने की चौथी वजह होगी। अब एक और बड़ी वजह आपको बताते हैं तो मुंबई इंडियंस ने 2013 के बाद से तीन खिताब जीते हैं और हर एक साल को छोड़कर मुंबई ने खिताब अपने नाम किया, यानी हर एक साल बाद मुंबई का खिताब जीतना तय हो जाता है। तो 2013 में मुंबई ने खिताब जीता लेकिन 14 में नहीं जीता। इसके बाद 15 में मुंबई इंडियंस जीती लेकिन 16 में नहीं जीत पाई और इसके बाद 2017 में एक बार फिर से मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की लेकिन 2018 में मुंबई फिर नहीं जीत पाई और अब ये साल 2019 है जो कि मुंबई के जीतने का साल है, लिहाजा इस बड़ी वजह से भी मुंबई का जीतना पक्का है। तो ये है मुंबई के जीतने की पांचवी वजह। तो आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इन पांच वजहों से जीत पाएगी आईपीएल का खिताब या फिर रोहित शर्मा को मिलेगी हार? कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।